हेलो डी व्यूअर्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीवन इज गुड। सो आज हम आए हैं भीमकुंड। ये चीज़ काफ़ी फेमस है, अगर आपने देखी होगी न्यूज़ चैनल में भी। ये पड़ जाती है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में, छतरपुर से अराउंड 80 किलोमीटर। तो ये चीज़ काफ़ी फेमस है, डिस्कवरी वाले, नेशनल ज्योग्राफिक वाले भी काफ़ी आए थे। इधर ना एक पानी का कुंड है, नीला पानी है। तो वो नीला पानी, उसकी गहराई आज तक पता नहीं लगी कि कितनी है। तो बहुत लोग आते हैं इधर जी, बहुत लोग आते हैं, मेला भी लगता है। आज भी मेला इधर? नहीं, आज नहीं। अच्छा, आज मेला नहीं है, संक्रांति पे और दीपावली पे लगता है सर जी। अच्छा, दीपावली पे लगता है इधर। और आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा मैं आगे जाके। और ये मेरे साथ कजन, इसका नाम है करण, इसको बहुत ज्यादा हिस्ट्री पता है, ये हमारा गाइड रहेगा पूरे ट्रिप में। तो बेको बताता रही हूँ, ठीक है? आगे आगे सर, बिल्कुल। अभी हमने जाना है यहाँ से नीचे, इधर जाके कुंड। ओहो, इधर तो मामला खाई वाला है। ओ तेरी क्या बात है यार। ओहो हो, कितनी जबरदस्त चीज है यार, क्या बात है, ये तो बहुत जबरदस्त चीज होगी। वो राकुंड, इस टाइम हम पहाड़ी के नीचे हैं, इतनी बड़ी पहाड़ी ऊपर हम नीचे। उधर कुछ लोग नहा भी रहे हैं। और ऊपर देखो ये खिड़कियाँ, ये एक महल टाइप होता है, जैसे पुराने ज़माने में होता नहीं था। आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, जो से भीम नहीं थे उन्होंने यहाँ पर गदा मारा था बहुत ज़ोर के, तो तब से ये पूरा कुंड बन गया था। इतनी गहराई है कि अब तक इसका पता नहीं कि लिंक कहाँ पर है। ये इनको डर नहीं लग रहा है, ये नहा रहे हैं, कहीं नीचे ना चल जाए। ब्लू वाटर है ये सारा, जैसे कोई इंक नहीं मिक्स की होती, पर ये सारा फ्रेश वाटर और बिल्कुल क्लियर क्लीन वाटर है। किधरली साइड है यार वो जेड़ा, मतलब है इधर, इसी एरिया चाहिए, मतलब गहराई। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा काला काला दिख रहा है, आई होप अब थोड़ा दिख रहा होगा। हाँ वही मैं इनको दिखा रहा हूँ कि वो देखो गहराई, ये चीज इसके नीचे कुछ पता ही लगा कि ये कहाँ जाती है चीज। जाके गुफा तो अभी हम गुफा जा रहे हैं। आसान से आए हुए थे, करीब यहाँ पर रहते हैं स्वामी जी। स्वामी जी अब तो खत्म हो गए, देखो पास ही हुए स्वामी जी, करीब 24-25 साल तक रहे हमारे स्वामी जी। अच्छा, आसान से इधर रहते थे स्वामी जी, इस वाले में विराजमान थे हमारे स्वामी जी। अच्छा अच्छा जी, ये वाली सर गुफा निकल गई बहुत दूर का, ये कहाँ जाती है ये वाली गुफा? जी जी अंधेला है सर वहाँ पर, अंधेला जी, अंधेला है वो नहीं, मतलब जाती कहाँ पर है? यहाँ पर जंगल में निकलती है, जंगल में निकलती है गुफा। अच्छा, थोड़ा सा जा सकते हैं यहाँ पर? जा सकते हैं, यहीं से देख लीजिए। चलो यहीं से देख लेते हैं, है ना? इधर रोशनी कम है थोड़ी, पर मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि दिख जाए। ये देखो, ये सर संस्कृत विद्यालय चल रहा है, हम लोग पढ़ते हैं। कैमरा में नहीं आ रहा है कि मैंने, तो ये भी एक गुफा है, ये गुफा है सर, ये सड़वा के पास निकलती है, बड़ा मलेरा के पास करती है जंगल में सड़वा का। अच्छा, पूरा अंधेरा है इधर, पूरा अंधेरा, कोई जाता है आज के टाइम में? कोई नहीं जा पाएगा ना। ये बहुत लंबी गुफा है, ये सीधा जंगल में जाकर मिलती है। इसमें बारात भी समा गई थी सर, पहले बारात निकली थी ना बारात। अच्छा, बारात वाले यहाँ पर रुकते थे, यहाँ पर निकल गए थे। अच्छा, बारात भी समा गई थी इस वाले को, पता ही लगा कहाँ गए, पता नहीं लगा। अच्छा, तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कहते 2-3 बारात वाले भी आए थे यहाँ से, मतलब क्या स्नान करके जाते थे बारात वाले? बारात वाले यहाँ से हाथ मुंह धोके निकल जाते थे। अच्छा, तो दो कोई बराती होंगे, मतलब इधर ही साइड गए थे, पर उनका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गए, वो खो ही गए, आज तक नहीं पता लग पाया। ये बहुत पुराना है सर, 1 साल का, ये वन महावाद के समय का है कुंड भीमकुंड। अच्छा,
इधर से थोड़ी सी बना सकता हूँ यहाँ पर चमगादड़ है। चमगादड़ है, अच्छा। तो आगे बहुत आगे बहुत आगे रात भी आगे नहीं जा सकता, आप इधर से देख लो। आप वीडियो से इमेजिन कर सकते हो ये कितना स्केरी होगा, बहुत ज्यादा। हजार लोग भी नहाए, सब साबुन शैम्पू लगाए, यहाँ गंदा नहीं होता, गंदा नहीं होता ये पानी बिल्कुल भी। जी आप बताओ, यहाँ से कुंड दिखता है, दोनों कुंड दिखते हैं। एक साल का अज्ञात वास हुआ था ना सर पांडव लोगों का। हाँ जी। तो उनके द्रौपदी जी को प्यास लगी थी सर, तो भीम भैया ने यहाँ से गदा का प्रहार किया था, सीधा पाताल फट गया था। फिर अर्जुन ने तीर द्वारा रास्ता बनाया था, फिर यहाँ से पानी पीकर पांडव फाल निकल गए थे सर। पन्ना जिला में पड़ता है, बिजावर के राजा महाराज आए, उनने यहाँ का निर्माण किया, उनको स्वस्वरूप करते थे बिजावर के राजा सागर सिंह को। हमने यहाँ पर मंदिर वगैरह बनवाए थे, हमारे स्वामी छोटाचार्य जी आए, आसान से यहाँ पर रहते रहे करीब 24-25 साल तक। 24-25 साल वे भोजन नहीं करते थे, जड़ी बूटी खाते थे हमारे स्वामी। अच्छा अच्छा, तो उसमें जो मतलब नीचे सर 80 फीट नदी बहती है कुंड के अंदर। 80 फीट की जी, 80 फीट गहरा नदी बहती है इसके अंदर। नदी में एक दो कुंटल की मछली भी अच्छा, कभी भी सुनामी लहरें आती, भूकंप आता है, यहाँ पर हलचल होती है, हलचल होती है। अच्छा, ये श्वास रोग चलता हो ना सब, जिसको श्वास रोग के लिए लाभदायक है, जो कई साल तक धरे रहो सब कीड़ा मकोड़े नहीं लगते इसके पानी से। अच्छा, ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी, और बंदा अंदाजा भी लगा सकता कि बाहर से जब आता है कि अंदर इतनी खूबसूरत और इतनी खतरनाक एट द सेम टाइम चीज हो सकती है। ऊपर से तो और अच्छा दिखता है सर, पूरा भीम कुंड दिखता है। तो कहते हैं अगर जैसे पूरे देश में दुनिया में जैसे भूकंप आने वाला होता है ना, तो यहाँ कुंड में पानी हिलने लग जाता है। जैसे जापान में सुनामी नहीं आई थी, बहुत ज्यादा जब नुकसान हुआ था, तो कहा था कि इधर पानी हिला था पहले, फिर जापान में सुनामी की खबर आ गई थी। और जो से डिस्कवरी चैनल से आए थे और नेशनल ज्योग्राफी चैनल से आए थे, उन्होंने कहा कि इधर 80 मीटर नीचे जाकर पानी का इतना बहाव है कि कोई बंदा उधर बच ही नहीं सकता और उसके नीचे जा ही नहीं सकता। तो ये हिस्ट्री पता लगी है। अभी एक और चीज़ पता लगी, जैसे भीम जी ने यहाँ पर मारा था गदा, तो ये कुंड बना था, जो से उनके पांडव थे ना, तो वो पांडव यहाँ से रास्ता जाता है, ये दो गुफा है, आपको दिखा के लाता हूँ। तो वो जो से पांडव थे, ये दो दरवाजे बने हुए हैं, यहाँ से चले गए थे और पता ही नहीं ये कहाँ पर जाती है ये चीज़, और अंदर से चमगादड़ निकल रही है, ये आपको दिखाई दे रही होगी कैमरा में भी। ऐसे ये दरवाजे, इसके अंदर जाओगे ना तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। और अभी एक और चीज़ पता लगी, जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो चीज़ें पता लगती जा रही हैं। जैसे इधर गुजरात में जब सुनामी आई थी ना, तो इसका पानी दो दो मीटर ऊपर आ गया था, जैसे लहरें नहीं होती तो वैसे ऊपर तक आ गया था। और जो आपको मैंने गुफा वगैरह दिखाई, वो मिलती है पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास, और इधर से पन्ना है 100 किलोमीटर। तो ये कहाँ कहाँ जाकर मिलती है, आप डिस्टेंस अंदाज़ा लगा लो। और सारा ये जंगली जो से जानवर होते हैं सभी इधर, ये सभी उसी का ही एरिया है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं आगे एक और जगह जिसका नाम है जटाशंकर, और उसके बाद है एक मोनासिया। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली वीडियो इधर ही एंड कर दूँ, वो वाले नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा, क्योंकि अगर दो जगह एक वीडियो में कवर कर ली तो बात जमेगी नहीं। तो ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, आई होप एंड आई नो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और जितनी हो सकती है ये चीज़ प्रमोट करो, क्योंकि ये चीज़ तो देखने वाली, अगर आप इंडिया या मध्य प्रदेश विजिट कर रहे हो कोई भी। कुछ नहीं है आसपास, ना कोई इंसान ना कोई, इसके नीचे जाना हमने, और ये पूरा जाली से इसलिए ढक दिया क्योंकि इधर जंगली जानवर बहुत आ जाते हैं। In the city, be back immediately to confiscate the money.